दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपको डबल सिलेंडर पंप की सेटिंग के बारे में थोड़ी बताऊंगा। उसमें कैसे सेटिंग करते हैं, ऊपर कितने व्यूवर को हमारे पता भी होगा, कितने सब्सक्राइबर को, और जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को देखें और देखें। ये देखें, ये हम 13 नंबर का नट खोल के ढीला करके इसकी पंप की रोड पीछे सरका लेते हैं, जिससे कि हमें पंप का पता चल जाएगा कि इसकी पंप की रोड कौन सी कितनी खुली हुई है, फुल खुली हुई है, कम ज़्यादा खुली हुई है। तो ये देखें आप, हमने यहाँ से इसमें जगह बना ली है। अब ये देखें, ये इसमें प्ले कर रहा है, ये दूसरे पंप में भी, ये मतलब पंप फुल खुले हुए हैं। कई बार हमारे व्यूअर ऐसे कह रहे थे कि उसमें पंप की सेटिंग कैसे करते हैं, एक सिलेंडर चल रहा है, दूसरा चल नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पंप में बिल्कुल इससे चिपका हुआ है बोल्ट। ये देखें, ये पंप पूरा खुला हुआ है। ये देखें, यहाँ भी हट नहीं रहा, फुल है। और ये इधर डस्ट कवर के इधर, ये देखें, जिसके अंदर की टाइमिंग ही ऐसी है। तो ये हम बिल्कुल ही पूरा ढीला कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि पंप खुला हुआ है या नहीं। तो ये पूरा रोड खुली हुई है, जिससे कि पूरा तेल देगा, और जब बंद करेंगे तो दोनों एक साथ बंद होएंगे। तो ये चीज़ हमें, ये एडजस्टिंग वोल्ट है, ये देखें, इस 17 नंबर 18 नंबर, इसे आप इस नट को ढीला टाइट करोगे तो ये यहाँ से टाइट होएगा। तो ये इस पे ना जाए, इसका दाता एक एडवांस है, मतलब आ गया है पंप की सेटिंग। मैंने वीडियो में दिखाई थी, जब पंप की सेटिंग थोड़ी वो रहेगी आउट, तो ये थोड़ा सॉफ्ट बाहर रहती है। तो ये आपकी पूरी बराबर होनी चाहिए। और जो 13 नंबर का बोल्ट है ये वाला, इससे आपको चाबी से थोड़ा सा ढीला और टाइट करके बिल्कुल इस तरीके से एडजस्टिंग करनी है, जिस तरीके से दोनों पंप चलें एक साथ। और हमें पंप को आगे से जब गवर्नर ढीला करके रखेंगे तो दोनों पंप ढीले होने चाहिए, नहीं आपस में टकराने चाहिए, फुल खुले होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान देनी है कि इसमें पंप में बिल्कुल भी जगह ना दे, क्योंकि ये जरा सा इधर से हमने टाइट करा, इधर दो चूड़ी देखे टाइट करी हमने, तो इधर से ये भी पंप आगे चला और ये भी आगे चला। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों पंप एक साथ काम करने चाहिए, और कितने जनरेटर में एक साथ काम नहीं करते तो उसमें ये पंप की पहले एक सिलेंडर चलेगा फिर दूसरा, तो ये दिक्कत होती है। तो देखिए, इसमें सिंगल फिल्टर लग रहा है TV1 वाला, तो ये देख सकते हैं, इसमें TV2 ये सही काम करता है, ठीक है, अंदर TV2 का भी लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने में धन्यवाद। सब्सक्राइब करें पंकज दवानिया चैनल को इस लाल बटन को दबा के, और नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मैसेज पाएं अपने मोबाइल पे इस बेल आइकन को दबा के।